सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। पैरोल क्या होता है? पैरोल भी कैदियों से जुड़ा एक टर्म है। इसमें कैदी को जेल से बाहर जाने के लिए एक आधार कारण बताना होता है। प्रशासन कैदी की अर्जी को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। प्रशासन कैदी को एक समय विशेष के लिए जेल से रिहा करने से पहले समाज पर इसके असर को भी ध्यान में रखता है। पैरोल एक तरह की अनुमति लेने जैसा है, इसे खारिज भी किया जा सकता है। पैरोल दो तरह के होते हैं, पहला कस्टडी पैरोल और दूसरा रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल, जब कैदी के परिवार में किसी की मौत हो गई हो, या फिर परिवार में किसी की शादी हो, या फिर परिवार में कोई सख्त बीमार हो, उस वक्त उसे कस्टडी पैरोल दिया जाता है। इस दौरान आरोपी को जब जेल से बाहर लाया जाता है तो उसके साथ पुलिसकर्मी होते हैं और इसकी अधिकतम अवधि 6 घंटे के लिए ही होती है। दूसरा है रेगुलर पैरोल। रेगुलर पैरोल दोषी को ही दिया जा सकता है, अंडर ट्रायल को नहीं। अगर दोषी ने 1 साल की सजा काट ली हो तो उसे रेगुलर पैरोल दिया जाता है। पैरोल मिलने के कानूनी नियम, नंबर 1, पूर्ण और असाध्य अंधापन। नंबर 2, कोई कैदी जेल में गंभीर रूप से बीमार है और वो जेल के बाहर उसकी सेहत में सुधार होता है। नंबर 3, फेफड़े के गंभीर क्षय रोग से पीड़ित रोगी को भी पैरोल प्रदान की जाती है। यह रोग कैदी को उसके द्वारा किए अपराध को आगे कर पाने के लिए अक्षम बना देता है, या इस रोग से पीड़ित वह कैदी उस तरह का अपराध दोबारा नहीं कर सकता जिसके लिए उसे सजा मिली है। नंबर 4, यदि कैदी मानसिक रूप से अस्थिर है और उसे अस्पताल में इलाज की जरूरत है। साथ ही भारत के अंदर कई असाधारण मामलों में भी कैदी को पैरोल दी जा सकती है। नंबर 1, अंतिम संस्कार के लिए। नंबर 2, कैदी के परिवार का कोई सदस्य बीमार हो या मर जाए। नंबर 3, किसी कैदी को बेटे, बेटी, भाई और बहन की शादी के लिए। नंबर 4, घर का निर्माण करने या फिर क्षतिग्रस्त घर की मरम्मत करने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि पैरोल क्या होता है और पैरोल कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।